में रहें तो तारागढ़ जरूर आएं, क्योंकि सरकार सबकी सुनते हैं, यहाँ सब दुआएं पूरी होती हैं। हमारा वारिस अली है, जिसका वारिस अली हो जाए उसको किसी से डरना नहीं चाहिए। तंजीम ऑल इंडिया मौलाई मिशन बनाई गई है, मौला अली के नाम से मौलाई मिशन रखा गया है पूरे हिंदुस्तान में। नाज़रीन सलाम आदाब, दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की और मुंबई से आए बाबा जान ने चूमी हज़रत मीरा सैयद हुसैन किंग सवार मशहदी रहमतुल्ला अलैह की चौखट। मुल्क सूबे में कामयाबी कामरानी की मांगी दुआ। हज़रात अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद नईम शाह आप तमाम हज़रात के दरमियान हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम औलिया हिंद तारागढ़ दरगाह शरीफ है। नाज़रीन इकराम, आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान के दीगर अफराद में इनका एक मिशन जो कि मौलाई मिशन के नाम से जाना जाता है, आज हम उन्हीं सिलसिले में जो है इनसे बात करेंगे। बाबा जान जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप देख सकते हैं उनको, कुछ चंद सवाल उनसे पूछेंगे और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि वो बखूबी तरीके से जो उसका जवाब देंगे। जी बाबा जान, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, पहले तो आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर आकर कैसा लगता है? तारागढ़ आने के बाद ये यकीन हो जाता है कि मैं किसी मौला अली की औलाद की बारगाह में आया हूँ, बेशक, और हसनी हुसैनी बारगाह में आया हूँ। यकीन मानो दिल को बड़ी सुकून मिलती है, क्योंकि औलाद हुसैन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ जब देखता हूँ, हर जात, हर मज़हब और मिल्लत के लोग आते हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी जात धर्म के हो, तो यकीन हो जाता है कि सबको यहाँ से अता हो रही है, तभी हर जात धर्म के लोग भागे भागे आते हैं। और मेरी ये दुआ भी है कि तमाम लोग आएँ, किसी की बातों में ना आया करें, तारागढ़ ज़रूर आएँ। अगर अजमेर आएँ तो तारागढ़ ज़रूर आएँ, क्योंकि सरकार सबकी सुनते हैं, यहाँ सब दुआएँ पूरी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये झाड़ है जिनको औलाद नहीं होती है, इसकी मतलब फल खाने से औलादें होती हैं और सरकार का करम है। तो तमाम लोग जब भी अजमेर शरीफ आएँ, तारागढ़ जरूर आएँ। अच्छा, बात और जानना चाहते हैं आपसे कि जो मिला है मौलाई मिशन जो आप लेकर चल रहे हैं हिंदुस्तान में, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे लीडर। ऑल इंडिया मौलाई मिशन एक ऐसी तंजीम है पूरे हिंदुस्तान में, नासबियत, खारजियत, मरवानी, यजीदियों के खिलाफ एक नंगी तलवार है ऑल इंडिया मौलाई मिशन। जितने लोग पूरे हिंदुस्तान में, तकरीबन 350 व्हाट्सएप ग्रुप हैं पूरे हिंदुस्तान के, और अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में शायद 10 लाख के आसपास यंग मौलाई हुसैनी लोग इनसे जुड़ चुके हैं, जो भले से कादरी हैं, चिश्ती हैं, निज़ामी हैं, शहरवर्दी है, अबुलवाई है, रफाई है, सजाली है, फिरदोसी है, हमदोई है, बदोई है, खलदोई है, चाहे जिस सिलसिले से हो, अगर उसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत है, पंजतन पाक की मोहब्बत है, और उसकी माँ का खून अगर पाक है, वो अली अली करता है, तो ज़रूर उसका दिल अहले बैत की मोहब्बत के लिए धड़कता है। और उन्हीं लोगों के लिए तंजीम ऑल इंडिया मौलाई मिशन बनाई गई है, मौला अली के नाम से मौलाई मिशन रखा गया है पूरे हिंदुस्तान में। और अल्हम्दुलिल्लाह हर नासबी खारजी का जवाब हम खुलकर देते हैं, हमको किसी के बाप का डर नहीं है, क्योंकि हमारा वारिस अली है, जिसका वारिस अली हो जाए उसको किसी से डरना नहीं चाहिए। हम हर यजीदी का जवाब देते हैं और देते रहेंगे। जब भी कोई अहले बैत के खिलाफ मुँह खोलेगा, ऑल इंडिया मौलाई मिशन के लोग चाहे जहाँ होंगे, जैसे एक ग्रुप तारागढ़ में भी है, अजमेर में भी है नीचे, और इस तरह राजस्थान में और भी जगह है पूरे हिंदुस्तान में, तो ऑल इंडिया मौलाई मिशन का है। अगर नहीं भी, अगर कोई हुसैनी मौलाई अगर वो जवाब देता है, तो ऑल इंडिया मौलाई मिशन उसका साथ देती है, और अगर नहीं तो ऑल इंडिया मौलाई मिशन अल्हम्दुलिल्लाह भारी है तमाम यजीदियों को जवाब देने के लिए। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थे बाबा जान जो बेबाक अंदाज से हमारे सवालात का जवाब दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों के दरमियान हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अंजीतन का करो ये।